चकेरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चप्पेबाजी करने वाले गिरोह की 4 महिलाओं समेत 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। रियाल और डॉलर दिखाकर लोगों से ठगी करते थे। कानपुर समेत कई प्रदेशों में लाखों की ठगी कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी के रहने वाले हैं सभी। गिरोह को गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना चकेरी इंस्पेक्टर आर के गुप्ता, जाजमऊ चौकी इंचार्ज अनुराग सिंह, श्याम नगर चौकी इंचार्ज भोला प्रसाद आदि लोग शामिल रहे। क्या काम करने के लिए कहा था? कह रहा हूँ रियल दिखाना है, किसी से अगर किसी का बात करना है तो मालिक बताता था, हम लालच में आ गए तो हम इस चक्कर में अब हम यहाँ फंस गए। कितने लोगों से करिए इसे कपड़े? रियल देख के क्या कर रहा है को पता है। रियल दिखा के फिर क्या देते थे तुम? रियल दिखा के रियल ही देते थे, उसमें पेपर में कागज होता था, 6-7 नोट होते थे बस उसमें, और लेने वाला लालच होते थे। कितने पैसे में देते थे? जितने पैसे वो पार्टी बोलता था। कितना पैसा? जैसा अभी हमें एफ आई आर लिखवाया किसी ने 2.5 लाख रुपये का, 2.5 लाख रुपये हम में से किसी को नहीं पहचानते, वो नहीं हम है ना ही उनका हम पैसा। ये पश्चिम बंगाल का ठगों का गिरोह है जिसे कानपुर में टप्पेबाजी भी कहते हैं। इनके पास विदेशी करेंसी होती है जैसे कि रियाल, डॉलर अधिक मात्रा में इनके पास रहती है, और ये इस तरह से ठगी करते हैं जिसे किसी को बताते हैं कि हमें कहीं कूड़े में मिल गया है रियाल या किसी ने दे दिया है हमें, और चूंकि हम गंवार हैं हमें पता नहीं है रियाल चलेगा या नहीं चलेगा, तो सामने वाला सोचता है कि हम कुछ पैसा दे करके रियाल ले लें। वो सोचता है, जनता का आदमी सोचता है कि मैं इन्हें ठग रहा हूँ, जबकि वास्तविकता जनता का आदमी इनके द्वारा ठगा जाता है। कानपुर में चकेरी क्षेत्र में इन्होंने 2 घटनाएं की हैं, भिन्न भिन्न शहरों में ये घटनाएं करते रहते हैं, तमाम इनके अपराध हैं और बहुत ही मजा हुआ गैंग है। इनके कब्जे से मोबाइल और ठगी के जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं, और रियाल और डॉलर मिले हैं। रियाल कहाँ से लेकर आते थे और कितने लोग हैं इनके पीछे? ये अभी फिलहाल तो इनका पूरा गैंग पकड़ा गया है, लेकिन इस टाइप के इनके और भी सदस्य हैं जो कि और भिन्न 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 शहरों में अभी हैं। ये इनका कहना है उनकी कितने लोग पकड़े गए? इस समय 8 लोग, 4 महिलाएं और 4 पुरुष पकड़े गए हैं। कितने रियाल बरामद हुए? रियाल है और 10 डॉलर हैं, नोट हैं, 10 डॉलर के नोट हैं और 1 रियाल है। उसके नीचे जो है गड्डियाँ बना देते हैं, ऊपर रियाल कहाँ से मिल जाता है? ये रियाल मैनेज कर लेते हैं चूँकि पश्चिम बंगाल के हैं, वहाँ बहुत लोग रियाल वाले हैं, उस देश में रहने वाले हैं, तो उनसे ये ले लेते हैं, धीरे धीरे इकट्ठा कर लेते हैं। ये लोग अपने कैसे शिकार बनाते हैं, मतलब लोगों कैसे? कई तरीके हैं, जैसे कि अभी जो यहाँ घटना, यहाँ भी 1-2 घटनाएँ हुई, ये दुकान पर सामान लेने गए, इन्होंने दिखाया रियाल कि बाबूजी ये रियाल है, और हम जो है किसी के यहाँ काम करते थे और ये विदेशी आदमी था, उन्होंने हमें 1 रियाल दिया था, बाद में तकिया में हमें ये रियाल मिला, हम इसका क्या करेंगे? तो दुकानदार ने सोचा कि उसने कहा कि आप ले लो कुछ पैसे हमें दे दो, दुकानदार ने सोचा कि जो है हमें फ़ायदा मिल जाएगा हम ले लें। और एक तरीका ये भी है, कहीं बताते हैं कबाड़े में पड़ा मिला था, हम इसका क्या करेंगे? तो आते आते राहगीरों से जो है ये रियाल देख के, डॉलर देख के कुछ पैसे ले लेते हैं। जानकारी में ये आया है कि लोग रियाल की गड्डी बनाते थे जिसमें सिर्फ फर्जी के, वो रियाल की गड्डी बनाते हैं, ऊपर 2-4 रियाल सही रहते हैं या डॉलर सही रहते हैं, नीचे जो है फर्जी नोट रहते हैं, डुप्लीकेट नोट रहते हैं खिलौने वाले। चकेरी में जिन्हें बहुत बड़ी तप्पेबाजी की, कितने लाख की तप्पेबाजी थी? लगभग 1-1.5 लाख की थी। 1-1.5 लाख की थी।